दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि क्रोनिक एक्जिमा में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। क्रोनिक मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत बढ़ गया है एक्जिमा होता है, उसके ऊपर मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो देख लेना। लेकिन हमारे व्यूअर हैं, उनका एक कमेंट आ रहा था बार 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 कि ऑकोवर्ड के ऊपर वीडियो बनाइए। ऑकोवर्ड में समझ नहीं आ रहा था कि ऑकोवर्ड क्या है, मैंने उनसे बोला भाई दूसरे शब्दों में बताइए। तो उन्होंने बोला क्रोनिक एक्जिमा। तो एक्यूट तो आप जानते ही हैं, हल्का फुल्का होता है, कभी कभार हो जाता है, तो जो 4 दिन या 4-5 महीने से हो रहा है, तो मतलब 4-5 हफ्ते से हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं एक्यूट। क्रोनिक क्या होता है, लंबे समय से और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका थोड़ा सा क्या ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या दो कैटेगरी हैं, एक होता है वेट, एक होता है ड्राई। कई लोगों में पपड़ी से झड़ती है, कई लोगों में ये गीला गीला होता है, खुजलाने में पानी निकल जाता है, या फफोड़े से पड़ते हैं। तो दोनों का अलग ट्रीटमेंट होता है, दोनों को ही समझेंगे आज। तो उससे पहले रिक्वेस्ट दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये होती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले बात करेंगे ड्राई एक्जिमा। कई लोग होते हैं उनके पपड़ी से झड़ती रहती है, खुजलाते हैं, पपड़ी से हाथ में जाती है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों अपन को सैलिसाइलेट बेंजोइक एसिड का क्रीम ऑइंटमेंट देना है। ये क्या होगा, उस पपड़ी को रिमूव करेगा और वहाँ पर हील करने में मदद करता है। तो ये क्रीम आप लगा सकते हैं, क्रीम बोल रहा हूँ सॉरी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, सुबह शाम लगा सकते हैं, साफ करके हल्के हाथ से अप्लाई करना है। उसके अलावा 2 घंटे बाद सुबह शाम ही आपको बेटनोबेट या बोलना चाहिए क्लोबेटासोल का क्रीम लगा सकते हैं। ये क्लोबेटासोल क्या होता है, ये भी स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड होता है, ये सूजन को कम करता है, सूजन को कम करता है और दूसरी दवाइयाँ जो हैं उनके इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया सैलिसाइलिक क्रीम ऑइंटमेंट और दूसरा हो गया क्लोबेटासोल या बेटनोबेट NSC, ठीक है, तो इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको ओरल में सिट्रेजिन टैबलेट देना पड़ेगा। सिट्रेजिन क्या होता है, एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है। एंटी हिस्टामिनिक क्या होता है, ये हिस्टामाइंस को जाके ब्लॉक करते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे शरीर में खुजली जब चलती है तो ये हिस्टामाइंस के द्वारा ही होता है, तो उस हिस्टामाइन को रोकना जरूरी है। तो वहाँ पर आप सिट्रेजिन दे दो। सिट्रेजिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब जब आदमी खुजलाता है तो ये समस्या बढ़ती है, एक प्रकार का एक इंजरी होती है स्किन के अंदर। जब आप खुजलाते हैं तो स्किन को इंजर कर रहे होते हैं और आप फंगस को रास्ता दे रहे होते हैं कि और फैल जाए, आपके नेल्स में आ जाएगा उसके स्पोर्स, तो और दूसरी जगह पे भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। तो हमेशा याद रखो खुजलाना नहीं है, आप खुजली चलेगी तो उसके लिए आपको सिट्रिजिन देना है, सिट्रिजिन या लेबोसिट्रिजिन से काम चल जाएगा। तो एक गोली दे सकते हैं दिन भर में या रात में सोते वक्त, क्योंकि उससे आता है नींद, सेडेशन आता है, ठीक है, आदमी को नींद नींद सी लगती रहेगी, तो वो दे सकते हैं। उसके अलावा इंजेक्शन आता है कैनाकोट नहीं जानते उसको, मेरा वीडियो है आप वो देख लेना, यहाँ पे आई बटन डाल दूंगा। तो कैनाकोट का इंजेक्शन बोलना चाहिए कि टॉपिकल लगाया सकता है लोकली उसी जगह पे जहाँ पे ये हो रहे हैं लेसन्स, ठीक है, एक्जिमा पे ही लगाना है 4-5 जगह पे, या हाइड्रोकोर्टिसोन का 40 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगा सकता है, ठीक है, 3 हफ्ते तक लगा सकते हैं, हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगेगा तो इससे कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पर कई लोग कहेंगे आपने क्लोट्रामाजोल, लुलिकोनाजोल ये सब नहीं बताया, टर्बिनोफोर्स वगैरह, वो एक्यूट में काम करेगा। अभी यहाँ पर क्या क्रोनिक कंडीशन हो गई है, ये बढ़ गया है, तो यहाँ पर यही सब ट्रीटमेंट देना है ड्राई अगर हो रहा है। तो बात करेंगे बैट एक्जिमा की, मतलब कि गीला, इसके अंदर पानी निकलता वो भी क्रोनिक है लंबे समय से, तो वहाँ पर आपको बेटनोबेट एंड क्रीम लगाना सुबह शाम। ये स्टेरॉयडल ड्रग होता है और साथ में आप एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हैं। तो बेटनोबेटेन लगाना सुबह शाम। उसके अलावा कैलामाइन का लोशन होता है दोस्तों, उसको आप दिन में 3 बार लगा सकते हैं, दिन में 3 बार लोशन से मालिश से करना हल्का हल्का, तो उससे क्या हील होने में मदद मिलती है। बायसोलाइन टैबलेट होती है दोस्तों, बायसोलाइन 5 मिलीग्राम का टैबलेट दिन में 3 बार 5 दिन तक देना है, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों एविल का दे सकते हैं। अभी क्या होता है, वेट में खुजली ज़्यादा चलती है, यहाँ पर सिट्रेजन काम नहीं करेगा। एविल जो होता है फेनरमाइन मेलेट, ये क्या करना है आपको देना है, कितना सुबह शाम देना है, या दिन में 3 बार भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। टैबलेट ठीक है, ज़्यादा हो रही है खुजली तो उसमें आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो एविल का भी देंगे टैबलेट। उसके अलावा नींद नहीं आती कई लोगों को, रात रात भर जागती हैं, एविल भी काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप अल्प्रेक्स हटा 0.25 मिलीग्राम टैबलेट दे सकते हैं, सुबह शाम भी दे सकते हैं या ओडी दे सकते हैं, इससे क्या आदमी को नींद आ जाती है, 4 दिन तक देना, ज़्यादा नहीं देना।
ठीक है। उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन या बोलना चाहिए रॉक्सीथ्रोमाइसिन या बोलना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन, ये भी चलाया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन तो होता है, साथ में मिक्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं। जब लिक्विड होता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बढ़ने लगता है। कई लोग इसको डर्मेटाइटिस समझ लेते हैं, जो कि नहीं होता। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ 2 या 3 दिन के लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिन में 2 बार सुबह शाम दे सकते हैं 500 मिलीग्राम का 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक। यहाँ पे दोस्तों जो बेट है इसमें आपने क्या होगा कि खुजलाना नहीं, खुजलाएंगे तो ये बहुत स्पीड के साथ फैलता है। अभी यहाँ पे एक मन में सवाल आ रहा होगा आपके कि भाई क्लोट्रिमाजोल वगैरह क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये समस्या क्रॉनिक की है। एक्यूट होता है मतलब आदमी को नया नया हुआ 2-3 हफ्ते से, तो वहाँ पर आप क्लोट्रिमाजोल लगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जब भी किसी को पहली बार ये समस्या हो, कोई भी दाद हो या कोई एक्जिमा हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा प्लेन एंटी फंगल ड्रग देना चाहिए या क्रीम लगाना चाहिए, क्लोट्रिमाजोल या सिर्फ और सिर्फ क्लोट्रिमाजोल या कीटोकोनाजोल या जो, कभी भी स्टेरॉइडल ड्रग्स नहीं लगाना चाहिए। स्टेरॉइडल ड्रग्स लगाने से क्या होगा, ये दब जाएगा अंदर स्किन के अंदर और फिर आप सोचेंगे अच्छा हो गया, फिर वो परमानेंट रहता। तो परमानेंट जो है जिसको क्रॉनिक कह रहे हैं उसका ट्रीटमेंट ये था, जिसमें अगर आप एंटी फंगल ड्रग लगाते हैं, एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं तो आराम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टेरॉइडल ड्रग्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों इनका इलाज। यहाँ पे दोस्तों अगर सिर पे हो रहा है किसी व्यक्ति के माथे पे, सिर पे खोपड़ी मोरा, तो उसको साबुन वगैरह नहीं लगानी है, साबुन क्रीम केमिकल्स नहीं लगाना। महिलाएं हो रही हैं उनको मुंह पे हो रहा है, फेस पे हो रहा है, तो उसको लिपस्टिक्स पाउडर्स ये सब नहीं लगाना। खोपड़ी स्काल्प में हो रहा है तो वहाँ पे आपको शैम्पू वगैरह हर कोई से नहीं लगाना। और पैरों में हो रहा तलवों वगैरह में, वहाँ पे आपको एक ही याद रखो कि मोजे नहीं पहनना, ठीक है, मोजे वगैरह नहीं पहनना, क्योंकि पसीना इकट्ठा होगा तो और बढ़ेगा समस्या। तो हाइजीनिक रहें, साफ सुथरे रहें, अच्छा खाना खाएं, डाइजेस्टिव फूड लें, फाइबर्स ज़्यादा ज़्यादा रखें, पानी खूब पिएं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएं, मिर्च मसालों से दूर रहें, अदरवाइज आपका पेट गड़बड़ होगा। पेट की गड़बड़ी के कारण ये समस्या और बढ़ती है, ठीक है। चाहें तो अल्बेंडाजोल दे सकते हैं, मेवेंडाजोल दे सकते हैं, पेट के कीड़े मारना बहुत जरूरी हो जाता है इस समस्या के दौरान, ठीक है। तो यही होता है क्रॉनिक एक्जिमा का ट्रीटमेंट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो आप देख रहे थे ज्ञानियर, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।